ये क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरू करते हैं। मैं सुनील प्रजापति आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 1 से 2 क्वेश्चन नंबर 7.9 है। क्वेश्चन 16 से देखते हैं हम लोग। 5x/2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 है। आप जहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन से पता चलता है कि दोनों का घात जो है सेम है। सबसे पहले भाग देंगे, जो पैरल आप देख रहे हैं उस वह 5x² जो देख रहे हैं उसमें आप x² + 4x + 3 से आप भाग दे देंगे। चलिए पांचवा में लेके जाएंगे, 5 से गुणा 3 में करेंगे, 5x² 5 को 20x 5 15 ये सेम है, कट जाएगा, माइनस के साथ उतरेगा, -20x - 15x। तो इसके जगह पर जो सवाल दिया गया है 5x² + 4x + 3 की जगह पर 5 माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो 20x + 15 - x² + 4x + 3 लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ सकते हैं 3 और 1 में, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे 4 और 3 में 1 से गुणा करते हैं तो 20x² + 15 वैसे ही लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो में x + 3 और x + 4 केवल इतना लिया गया, 5 छोड़ दिया गया। अब फिर इसको आपको याद होगा हम लोग पढ़े भी थे ना, a/x + 3 + b/x + 1 और नीचे ऊपर नीचे से नीचे कैंसिल, इसको तोड़ेंगे फिर इतना आ जाएगा। तो 20x + 15 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 20x + 15 बराबर ax+1 + b तीसरा तीजिए गुना x+3। याद करो x^-3 लेने पर, क्यों, क्योंकि x+3 है इसलिए, तो x^-3 लेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए। आप इसके जगह पर भी -3 रखेंगे तो 20 + 3 = 60 में से 15 जाएगा, -60 + 15 बराबर यहाँ पर जो बात है ये वैसे ही रखेंगे, -3 में से 1 जाएगा -2, 60 में से 15 जाएगा 45 2 तो ए बराबर 45/2 x^-1 रखने पर -20 + 15 b × 2 - 5 तो b = -5/2 तो इस तरीके से ए और बी का मान रखेंगे और फिर इसका जो मान दिया गया समाकलन कर देंगे 5 45/2 x + 3 + 5 2x + 1। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और तब जब आप आगे जाएंगे तो उसका समाकलन करेंगे, तो 5 का समाकलन अगर आप करते हैं तो 5x = -45/2 log x + 2 + 5/2 log x + 1 तो इस तरीके से इतना आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी तो आपको मान भी रखना है ना, 5x - 45/2 log x + 3 + 5/2 ये जो है 2 और 1 रखना है, तो एक बार आप जहाँ जहाँ 100 होगा तहाँ तहाँ आपको 2 रखना है। चलिए तो 5 2 में गुणा करेंगे 10 - 45/2 log, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 3 5 + 5/2 log, फिर आप यहाँ पर 3 रखेंगे log, 2 रखना है ऊपर वाला 2 - माइनस पूरा के जगह पर आप 1 लिखेंगे तो 5 1 रखेंगे, 5 से गुणा 1 में तो 5 - 45/2 log, 1 और 3 4 + 5/2 log, 2 1 1 2 हो जाएगा। चलिए जरा देखते हैं हम लोग आगे, -5 है + 10 है घटेगा 5 माइनस ये प्लस तो 45/2 log ये 5 है बटा में 4 आ जाएगा, 45/2 log बटा में 5/4 प्लस दोनों काम सेम है काम ले लेंगे, 5/2 log 3 बटा में 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस माइनस। इस तरीके से 5 - 5/2 9 log 5/4 -log 3/2 ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए प्रश्न 17 के पास हम लोग चलते हैं। प्रश्न 17 कहता है π/4 0 2 sec² x + x/3 + 2 dx। याद करो π/4 0 है, 2 sec² x + x/3 + 2 dx। तो आप समाकलन करेंगे 2 sec² x का समाकलन 10x प्लस जो x/3 है इसका समाकलन x/4/4 प्लस 2 का समाकलन 2x और π/4 और 0 हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर 2 tan π/4 x के जगह पर π/4 और फिर 1/4 आप बाहर, फिर आप x के π/4 का 4π/4/256 प्लस 2 आप वैसे ही रखेंगे, x के जगह पर π/4 माइनस ये तो पूरा रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 tan π/4 का मतलब 45 को माने 1 प्लस π² / 1024 + π/2 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
सूत्र आपको याद रहेगा और बस आपको मान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीरो से पाई दिखा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू टी एक्स, याद करो जीरो से पाई ये जो सवाल दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक्स बाई टू बराबर कॉस एक्स होता है। तो पूरा का जगह पर ये जो देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पर केवल आप माइनस जीरो से पाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, याद करो माइनस कॉमन लिए, पहले कॉस होना चाहिए, इसमें पहले साइन दिया है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो पहले कॉस आ जाएगा, यहाँ दिख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉमन लेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स और पाई से जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक बार पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई का मान भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो आपका आंसर होना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन था, आप सबको क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देख रहे हैं जीरो से टू है और सिक्स एक्स प्लस थ्री बटा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टी एक्स, अनेस नंबर है जीरो से टू, सॉरी सिक्स एक्स प्लस थ्री बटा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टी एक्स, सवालों से ही रखेंगे, आप इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग, सिक्स एक्स जीरो से टू है सिक्स एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस चार प्लस टू से जीरो और थ्री अपन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टी एक्स, थ्री से जीरो से टू टू एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स, टू से जीरो वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स, नीचे वाला पूरा मान लेंगे ठीक है, तो लाग टी आ जाएगा क्योंकि जब अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाता है, तो थ्री लाग एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू से जीरो प्लस थ्री इंटू इसका तो वन अपॉइंट टू क्योंकि फोर इधर के बदो टेन पे नोट एक्स बाई टू और जीरो से ही टू हो जाएगा, बस आपको मान रखना है। देखिए थ्री रखिए लॉग आठ माइनस लॉग चार प्लस तीन बटा दो टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो, तीन लॉग आठ बटा चार क्योंकि माइनस में जब लॉग इस तरीके से होते हैं तो एक लॉग लिख करके आठ बटा चार प्लस तीन बटा दो और टेन इनवर्स वन का पाई बाई फोर हो जाएगा क्योंकि टेन पाई बाई फोर को होता है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तीन लाख चार साठ को काटेंगे दो बार में प्लस ये गुणा कर देंगे तीन पाई बटा आठ और ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी देखते हैं, समाकलन जीरो से एक और एक्स ई को पर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपन फोर इंटू टी एक्स, जीरो वन जीरो से वन एक्स ई को पर एक्स प्लस साइन पाई बाई एक्स अपन फोर इंटू टी एक्स, याद करो ये एक खंड से समाकलन करना पड़ेगा, तो जीरो से वन एक्स के ऊपर एक्स इंटू टी एक्स प्लस वन ऐसे ही आप लिख देंगे, उसके बाद से एक्स ई को पर एक्स वन तो जीरो, यहाँ पर हमेशा जो एक्स बाहर लेंगे तो एक्स ई को पर एक्स वन बाई जीरो माइनस वन अपन जीरो पर वन ई एक्स इंटू डी एक्स, देखिए याद करो ये आपका पहला पद हो जाएगा और ये आपका दूसरा पद, याद करो मैंने कहा था पहला पद और समाकलन दूसरा पद फिर माइनस डी डी एक्स, ये वही बात इसमें लिखा गया है माइनस चार बटा पाई कॉस पाई एक्स अपन फोर वन और जीरो, उसके बाद से ये मान रख करके हल करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के पास भी चलते हैं, वन से कल में थ्री है डी एक्स वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, बहुत विकल्पी है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, डी एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कल एक से कल में तीन, टेन इनवर्स एक बार कल में तीन माइनस टेन इनवर्स एक, ये साठ का मान होता है तो पाई बाई थ्री माइनस ये पैंतालीस का होता है पाई बाई फोर लसा लेंगे बारह, तो ये चार पाई में से तीन पाई पाई बटा बारह, विकल्प डी आपका सही होगा 21 नंबर जो क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर चलते हैं, ओके जीरो से दो बटा तीन है डी एक्स फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर इंटू इतना, तो जो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है तो 22 नंबर में भी लिख सकते हैं कि i बराबर दो बटा तीन जीरो डी एक्स चार प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, एक बटा नौ और हल करते चलिए और जब हल करते हुए जाएंगे तो आंसर आएगा वन अपॉन सिक्स पाई बाई फोर माइनस जीरो बराबर पाई बाई ट्वेंटी फोर, विकल्प डी आपका सही। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7.10। धन्यवाद।